बिल्ली 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 गुड़गप्पे वाला जा रहा है थाने की तरफ, रोके उसे। अरे फिर वही, तुम दिमाग से पैरलाइज हो क्या? अरे वो गुलगप्पे वाला है, अपना धंधा करेगा, निकल जाएगा, जाने दो उसको। जा रहा है, चला गया वो। देखो देखो, उसने अपना सामान नीचे रखा, अभी धंधा करेगा, गुलगप्पा गुलगप्पा और निकल जाएगा। बिल्ले हो गए तसल्ली है। अरे वो गोलगप्पे वाला एक अंदर का रिपोर्ट लिखवाने गया है। बड़ा आया तू बिल्लू द स्पाई। अंदर गए, पुष्पा जी को बताना पड़ेगा गोलगप्पा वाला रिपोर्ट लिखवाने आ रहा है, संभालो पुष्पा जी। हेलो, क्या बिल्ले बिल्ले तुमको एक काम दिया था, वो काम भी तुम ढंग से नहीं कर पा रहे हो। रुको रुको, अभी देखते हम क्या कर सकते हैं। जी कहिए। मैडम हम गोलगप्पे वाले हैं। नहीं नहीं, आज हमारा गोलगप्पे खाने का मन नहीं है। आप जाइए जाइए जाइए। आप समझे नहीं मैडम, हम रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। रिपोर्ट लिखवाने? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक प्लेट गोलगप्पे के साथ किसी ने चार गोलगप्पे एक्स्ट्रा मांग लिए? ऐसी कोई बात नहीं मैडम, ये बताइए रिपोर्ट कहाँ लिखवानी है। देखिए वहाँ बाहर ना बिल्लू नाम का एक आदमी मिलेगा आपको, वो बताएगा आपको कि कहाँ रिपोर्ट लिखवानी है। हाँ वो क्या है ना, आज हम यहाँ तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखवा सकते ना। क्यों नहीं लिख सकते मैडम? कागज खत्म हो गए। तो हम ला देते हैं पेपर। नहीं नहीं, आप समझे नहीं, वो लगता है आपको बताना ही पड़ेगा। आप क्या है ना, यहाँ थाने में ना किसी चुड़ैल का साया है। क्या हुआ ना, सालों पहले वो अपनी रिपोर्ट लिखवाने यहाँ आई थी, मगर उसकी रिपोर्ट किसी ने नहीं लिखी। क्यों, तब भी पेपर खत्म हो गए थे क्या? नहीं नहीं, तब तो टाइपराइटर खराब हुआ था ना। तब सुनिए तो सही, तब किसी ने रिपोर्ट नहीं लिखी तो मरने के बाद ना यहाँ जो वो चुड़ैल बन के घूम रही है, जो जब भी कोई रिपोर्ट लिखवाने आता है ना उसे पकड़ लेती है, उसका खून पी जाती है। कहा मैडम, गोलगप्पा बेचते हैं, बुद्धि से गोलगप्पा समझे हो का। सबको पता है भूत प्रेत चुड़ैल कुछ नहीं होता आज के जमाने में, आप भी मत मानिए। रुकिए हम पेपर लेके आते हैं। रुको, रुक जाओ, भूत भूत भूत, रुको भूत 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 भूत। नहीं, ये गोलगप्पे नहीं है मेरे पास। नहीं खाने हैं गोलगप्पे, नहीं खाने। अरे दही भल्ले चाट कुछ नहीं है मेरे पास। कुछ चुप, रिपोर्ट लिखानी है ना तो चलो थाने में। ये वाला नहीं, नया थाना, नया नया वाला एकदम। हाँ हाँ फ्रेश, भोनी तुमसे ही करवाएंगे, इनॉग्रेशन तुम करना। हाँ और पहले रिपोर्ट पे ऑफर भी है, बदनाम स्पेशल चाय और एक फुल बिरयानी। चले 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 चले, जरा ध्यान रखना। आज खून पियेंगे हम, तुम्हारे खून की प्यास लगी है, हमें खून पियेंगे हम। पुष्पा जी, पुष्पा जी, पुष्पा जी क्या हुआ? क्या हुआ, आपके ये बाल इस तरह से बिखरे हुए हैं, आप इसी भयानक से क्यों लग रही है, हो क्या रहा है? हम योगा कर रहे थे ना। क्या? हाँ वो लल्ला के पप्पा ने हमें सिखाया था, जब सिर में बहुत दर्द होता है तो इस प्रकार का योगा करते, तो वो ही कर रहे थे, और देखिए ना हमारा सर दर्द भाग गया। पुष्पा जी अब ठीक है ना? हमें किसी के बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज आई थी यहाँ से। दर्द ही दर्द भाग गया ना, वो ही बचाओ बचाओ। पुष्पा जी वो एक मर्द की आवाज थी। हाँ जो जो ये हम योगा करते हैं ना इसमें, तो इसमें ना ऐसा अपने आप ऐसे अंदर से मर्द की आवाज आती है बस। ठीक है आप करिए जो कर रही थी। नहीं अभी अभी हो गया। क्या है ये? थाना ही है, नया है। अरे खोलो, कंप्लेन लिखवाने वाला लेके आया हूँ।
शटर खोलो। अम्मा जब चिल्ला चिल्ला के पूरी दुनिया को बताना था कि यहाँ यहाँ पे थाना खुला हुआ है तो फिर हम पोस्टर नहीं लगवा देते बाहर, मिठाई नहीं बंटवा देते टोपा कहीं के। तो क्या करें, संतोष जी शटर ही नहीं खोल रहे थे। शटर इसीलिए नहीं खोला क्योंकि गलत पासवर्ड बताया। पासवर्ड था ता ता थिया थिया। आपने किया ता 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 थिया थिया। एक ता एक्स्ट्रा लगाया। हाँ तो तीन बार ही तय हुआ था ना, ता 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 थिया थिया। गलत, ता ता थिया थिया। नहीं नहीं तीन बार तय हुआ था, ये देखो ता 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 थिया थिया। अम्मा हो गया ता 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 थिया थिया। ये देखो तीन बार ता 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 थिया थिया। अब करना है किसी को ता ता थैया या ता 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 थैया थैया। नहीं मैडम, पूरा ताल बजा दिया आप इसके सर पे। ए बाबू, ए बाबू, अरे अरे आओ आओ इधर आओ इधर आओ। कहाँ यार, कहाँ मेहनत कर रहे हो, कहाँ भाग रहे हो तुम? क्या है ये ता ता थैया थैया कर रहे हो यहाँ पे? मैं रिपोर्ट लिखवाने आया भाई साहब, तबला सीखने नहीं। आइए आपकी रिपोर्ट लिखते हैं और नजर ऊपर रख, सर सलामत तो पगड़ी हजार, क्योंकि ये छत कभी भी टपक सकती है। बताइए क्या दिक्कत है? गोपाल नाम है हमारा, गोलगप्पा बेचने का काम करते हैं। एक मिनट, सीधा भगवान से कंप्लेन करोगे क्या यार? एक सेकंड। ए शाबाश, हो गया, इधर सीधा देखिए। हाँ अब बताइए। जहाँ हम रेडी लगाते हैं ना, उस गली का दादा बिरजू भैया अपने आदमियों के साथ आता है हमारे ठेले पर और हमसे मुफ्त में दही बल्ले, पापड़ी, चाट, पाव भाजी सब खा जाता है। और जब हम पैसे मांगने की कोशिश करते हैं उससे तो दादागिरी दिखाता है और जान से मारने की धमकी भी देता है हमें। उसके डर से ग्राहकों ने आना भी बंद कर दिया है। पूरे 10,000 खाए बैठा है हमारे मैडम। हमारे बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, 6 महीने से स्कूल की फीस नहीं भरी है मैडम। हमारे पैसे आप दिलवा दीजिए मेहरबानी करके, तय कीजिए। बिल्कुल चिंता मत कीजिए आप, आपका पैसा ना उसका बाप भी देगा। मैडम इंफॉर्मेशन करेक्ट है क्या? आ जाएंगे वो। ओ भैया, ओ भैया, लगा गोलगप्पे। भैया आज तो पैसे दे दो। पहले दिया था क्या? नहीं। तो अब क्यों मांग रहे? अरे बिरजू भैया, बच्चों का स्कूल की फीस देना है। अरे क्या करेंगे रे तेरे बच्चे पढ़ के, आखिर में उनको तो ठेला ही लगाना है ना तेरी तरह। अब यहाँ धंधा करना है ना, चुपचाप हम दोनों को मुफ्त में इसी तरह खिलाता पिलाता रहे, समझा? चल शुरू हो जाए। बे देख क्या रहा, लगाना जल्दी। ए, अबे कहाँ भाग रहे? अच्छा बेटा, हाँ तब भी मैं सोचू इतना क्यों पुधक रहा है, पुलिस वालों को बुला के रखा है। अरे पुलिस का कर लेगी आपका, हम थोड़ी ना आपका कुछ बिगाड़ सकते हैं। हम जानते हैं आपके बारे में, इनका पहुंच जो है ना वो बहुत ऊपर तक है बिल्ले। अच्छा। हाँ, इनको हल्के में मत लेना, इसलिए आज का गोलगप्पा पार्टी भैया जी हमारी तरफ से। सच्ची भैया एक प्लेट गोलगप्पे दे दो। अरे पहले खाली प्लेट दे दो भाई। ये भैया जितना जी भर के जी गोल के आप खिला सकते हैं ना, इनको सबसे ज्यादा खिलाइएगा, ये तो खाते ही रहेंगे। हमारा थोड़ा स्पाइसी करना। मुझे मीडियम। मीठा मीठा, मुझे मीठा। भैया मीठा मीठा, ये लो मीठा लो। ए कितना टिका भैया, बस 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 और नहीं होगा। अरे इसी से बस हो गया बिल्ले संतू। अरे भाई अरे ये क्या था? अरे इतना मुफ्त में ठूस ठूस के आपने इनसे इतने गोलगप्पे खाए हैं, आज कैसे इतनी जल्दी जा रहे हैं आप? आज आपके लिए करिश्मा स्पेशल गोलगप्पा बनेगा, भैया जी खिलाइए इनको। बिल्कुल मैम बिल्कुल। बस बस भाई बहुत हो गया, बहुत ही आग लग गया मुंह में। काहे इतना बिलबिला रहे हैं बिरजू भैया आप? इतना जो ठूस ठूस के गोलगप्पा खाया है आज तक, उसका हिस्सा तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा। तुम्हारे चाचा नहीं आएंगे चुकाने, कौन चुकाएगा? हम देंगे ना, हम देंगे पूरे 10,000 रुपए। दीदी पूरा दीदी
10,000 से ज्यादा ही है। हाँ भैया, अगर आज के बाद तुम हमें इसके आसपास दिखाई भी दिए ना, तो जब जब गोलगप्पा देखोगे एक ही बात बोलोगे, दरोगा जी देखे तो बहुत, तुम सा ना देखा, समझ गए? बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका। का भैया का, हमको शुक्रिया कर रहे हैं आप? आप हमारे थाने का पहला केस है, हमें आपको शुक्रिया करना चाहिए। आप बहुत स्पेशल है हमारे लिए भैया। तो जब भी चाहिए इंसाफ, महिला थाना 2 को करो याद, सदैव आपकी सेवा में तत्पर, महिला थाना पार्ट 2। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। जान सकते हैं आप कहाँ थी? रूटीन बीट पे गए थे हम। पूरा दिन आप रूटीन बीट पर थी? हाँ, वो छोटे मोटे केसेस, वो उसका जांच पड़ताल करना था, तो वो सोचा वो कर ले हम, और वो एनुअल रिपोर्ट बनाना है ना, तो वो तो आप जानती है कि वो पूरा फिट एंड फाइन होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए रिपोर्ट, तो सोचा हम ये कर ले। क्यों, कुछ मतलब हम नहीं थे थाने में तो कुछ गड़बड़ हुआ क्या? नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं हुई। इनफैक्ट हमें तो थाना सुबह से खाली खाली लग रहा है, कोई रिपोर्ट लिखवाने नहीं आया, कोई नई कंप्लेन नहीं आई। बहुत हैरानी की बात है, नहीं? हैरानी? नहीं नहीं मैडम सर, ये बहुत खुशी का बात है कि कोई कंप्लेन नहीं आया है, मतलब अच्छा है ना, यहाँ पे क्राइम कम हो रहे हैं, सुख शांति मिल गया है हमें, तो बहुत अच्छी बात है। माफ कीजिएगा लेकिन आप खुश नहीं लग रही हैं। नहीं नहीं, हम बहुत खुश हैं, बस हम ये सोच रहे हैं कि अचानक से जब किसी डॉक्टर के पास उसके मरीज आना बंद कर जाए, तो उसकी दो ही वजह हो सकती है, एक या तो शहर में से बीमारियां खत्म हो गई हैं, या फिर उसी एरिया में कोई नया क्लिनिक खुल गया है, कोई नया डॉक्टर आ गया है, जो लोगों का इलाज करने की बजाय उन्हें बस पेन किलर देकर तुरंत राहत दे देता है। समझ नहीं पा रहे हैं मैडम सर, आप क्या कहना चाह रही हैं आप? मैडम सर, या तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमने मन्नत मांगी थी, शिवजी ने वो सुन ली, बुलबुल पांडे को अकल आ गई, और वो खुद अपने एरिया के जो केसेस है वो खुद देख रहा है, इसलिए हमारे यहाँ थाने में केसेस कम आ रहे हैं, और क्या? ये हो सकता है, बुलबुल पांडे देख रहा होगा केसेस। हमें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि सच ना बहुत सिंपल होता है, साधारण होता है, एकदम सीधे से निकल जाता है, उसे बोलने के लिए कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, लेकिन झूठ टेढ़ा होता है, उसे बोलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कहानियां बनानी पड़ती है, खुद को बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है, और वो ओवर कंट्रोल बॉडी लैंग्वेज में आ जाता है, और बॉडी लैंग्वेज पढ़ना तो पुलिस वालों का काम है, नहीं? जी हाँ। पुष्पा जी, आप क्या छुपा रही हैं? कुछ भी तो नहीं, मतलब हम कुछ नहीं छुपा रहे आपसे, सब कुछ ठीक चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक ही चल रहा हो, क्योंकि अगर इस सब कुछ में कोई भी गड़बड़ी आई तो कुछ लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है, और उम्मीद करते हैं कि ये बात आप दोनों बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हमें हर चीज बर्दाश्त है, लेकिन धोखा बर्दाश्त नहीं है। पिल्ले, हम निकल रहे हैं, कल जब हम वापस आएंगे ना, तो हमें ये जगह तुम्हारे टकले से भी ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देना चाहिए, समझ रहे हो? मतलब जब तक ये प्रतियोगिता खत्म नहीं हो जाती, हमारा ये कर्म भूमि है, इसको साफ होना बहुत जरूरी है, तो चमका दो एकदम। नहीं नहीं, हम तो चमका देंगे, लेकिन ये पूरा चमकाने से पहले ही थाना 2 बंद हो जाएगा। भाई तो क्या बंद हो जाएगा, क्यों बंद हो जाएगा? एक मिनट मैडम, यहाँ से आपका हाथ यहाँ पहुँच सकता है? पहुँच सकता है। अब हमें वहाँ कैसे पहुँचेगा? तो सुनिए मैडम सर को हम ज्यादा देर उल्लू नहीं बना सकते, वो ये थाना नंबर 2 ढूंढ के निकालेगी और हम सबको पकड़ लेंगी। नहीं, आप स्मार्ट है, लेकिन मैडम सर आपसे भी ज्यादा स्मार्ट है, हम सब पकड़े जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, समझे तुम? जब बोलते हो गंदा ही बोलते हो। अच्छा, पीछे देखो। कौन लाया ये नेम प्लेट? किसका हिम्मत हुआ यहाँ नेम प्लेट आने का, ये वाला? नहीं नहीं, मैंने तो अभी देखा ना।
धोखा दिया है। हमें भी धोखा दिया तुमने बिल्ले, उतर नीचे। हमारे सीक्रेट मिशन के बारे में तुमने मैडम सर को बताया नहीं चाहता। और उस सीक्रेट मिशन में तुमने करिश्मा सिंह का साथ दिया और हमारा नहीं। हमारा साथ नहीं दिया, धोखेबाज इनका साथ दिया तुमने, इनको यहाँ तक लाए तुम। उतर। मैंने नहीं लाया। बिल्लो चंपा उतरो नीचे, तुम्हें तो सजा मिलेगी। नहीं मुझे क्यों सजा, मैंने उतरो नीचे। उतरो देखा क्या? हाँ, बुरा सपना देखा, बहुत भयंकर सपना। मैंने सपने में देखा मैडम सर को थाना 2 के बारे में पता चल गया, और करिश्मा मैडम को लग रहा है कि मैंने उनको ये बात बताई। गन्ना जैसे दो पार्टों के मशीन में फंसता है ना, ऐसे दोनों मुझे इतनी छोड़ रहे हैं। इसे तो अंदर मत भेजना। वैसे फंस तो हम भी गए हैं बिल्लू, जब से ये बेस्ट थाना प्रतियोगिता के चक्कर में मैडम सर और करिश्मा जी के बीच में टंटे शुरू हो गए हैं ना, हम भी ना इधर के रहे ना उधर के, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें हम। बस एक ही प्रार्थना करते हैं शिव जी से, जब तक ये थाना प्रतियोगिता खत्म नहीं हो जाती, मैडम सर को दूसरे थाने के बारे में कुछ पता ना चले। मेरी माँ कहती है किस लोगों की काली जबान होती है, मेरी काली खोपड़ी है, मैंने सपना देख लिया, अभी वो सच हो के रहेगा। बक 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 बक, डराओ मत हमें, डराओ मत। वैसे मैडम सर है कहाँ, दिखाई नहीं दे रही है। कहीं थाना टोपो नहीं गए? मैडम सर, हाँ आप बुरा नहीं माने तो एक बात पूछूं? नहीं नहीं पूछो। हम यहाँ क्यों आए? FIR लिखवाने। यहाँ मतलब मैं समझी नहीं। मतलब अगर FIR हम तक नहीं पहुंच सकती तो हम तो FIR तक पहुंच सकते हैं। आप घंटी बजाइए, जाइए जाइए, देखिए कौन है अंदर। ये दरवाजा तो खुला है, अंदर जाकर चेक करो, हो सकता है घर में कोई हो। कोई है? कोई है? हेलो, मम्मी! क्या हुआ? चुप 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 संतोष, रुकिए रुकिए रुकिए, हम असली पुलिस वाले हैं। पुलिस की ड्रेस में चोरी करते हो? नहीं नहीं नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, ये देखिए माता जी, हम असली पुलिस वाले ही हैं। हम हैं SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, और ये मैं हूँ कांस्टेबल संतोष शर्मा। ठीक है, आप बैठ जाइए आराम से, इत्मीनान से बैठिए बैठिए। माता जी पानी पियेंगी? हाँ। कहाँ रखा है? वो दरवाजे के पीछे। देखिए माता जी, दरअसल हम महिला पुलिस थाने से आए हैं आपकी मदद करने के लिए। शहर में जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं ना, हम उनके पास पर्सनली जा रहे हैं उनसे पूछने के लिए कि आपको कोई मदद चाहिए क्या, आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, इसलिए आप बिना झिझके हमें बता दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज बता दीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। पक्का? हाँ हाँ बिल्कुल जी। माता जी बताइए क्या दिक्कत है आपको? मेरे जोड़ों में बहुत दर्द है, जरा दबा दीजिए। हाँ हाँ संतोष शर्मा, बिल्कुल दबा दीजिए इनके पैर। वैसे भी बुजुर्गों की सेवा करने से पुण्य मिलता है। हाँ। जी अब बताइए। वो जरा अखबार पढ़ा है, उसको उठा दीजिए। हाँ लेकर। ये लीजिए। मुझे खबर नहीं पढ़नी है, इसका पंखा बनाकर जरा झलना, झल दीजिए जरा। हम? हाँ हाँ मैडम सर, बुजुर्गों की सेवा करने से पुण्य मिलता है। जी अब बताएंगे आपको दिक्कत क्या है? हमारे यहाँ बिजली नहीं है। सिर्फ आप ही के घर में बिजली नहीं है, क्योंकि आस पड़ोस में तो हर जगह है। अरे वो मुआ हमारा पड़ोसी राघव है ना, वो हमारे घर से बिजली चोरी करता है, 2 महीने से कर रहा है। इस बार हमारे घर का बिल 10,000 आया है। 10,000? और जब हमने नहीं जमा किया तो बिजली वाले आके लाइन काट गए। अरे मैं क्यों भरूं उस बिजली चोर का बिल, रह लूंगी अंधेरे में, लेकिन गलत बात नहीं सहूंगी। आपने बिजली विभाग में कंप्लेन क्यों नहीं की?
अरे की तो थी, आई भी थे बिजली विभाग के लोग गड़बड़ी चेक करने के लिए। फिर? अरे फिर क्या, उस कमीने राघव को पहले ही पता चल गया और उनके आने से पहले तार वापस निकाल दिया और जाते ही फिर जोड़ दिया और नतीजा वही, ढाक के तीन पात। माँ जी घबराइए मत, अब हम आ गए हैं ना, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। हम बिजली की चोरी के बारे में भी पता लगाएंगे और आपके घर में एक नया कनेक्शन भी लगवा देंगे ताकि आगे जाकर ये दिक्कत फिर से ना हो। संतोष शर्मा FIR लिखिए। थैंक यू। देखा, गलत नहीं कहते लोग, साया ना कहवा मुंह की खाए। बहुत बहुत चंट समझती थी ना अपने आप को, बहुत बड़ा प्लान बनाया था थाना प्रतियोगिता को जीतने का। क्या हुआ, मैडम सर ने सारी हवा निकाल दी ना? आपने थाने में FIR आनी बंद करवा दी तो मैडम सर ने संतु के साथ दूसरों के घरों में जा जाकर FIR लानी शुरू कर, सारे प्लान का बैंड बज गया। वेरी गुड, का वेरी गुड? नहीं, मेरा मतलब है कि अब थाना टू की जरूरत नहीं है ना। मैं काम करती हूँ, चीते को जाके बोल देती हूँ थाना टू का शटर बंद करते। रुको रुको रुको, तुम संतु तुम कहीं नहीं जाओगी, समझ गई? हाँ सही बात है, जाने की क्या जरूरत है, इतनी सी बात तो फोन पे भी बोल सकती हूँ। तुम्हारी समस्या क्या है संतु, जिंदगी में तुम्हारी समस्या क्या है? ये जो तुम्हारे भेजे में भूसा भरा हुआ है ना संतु, इसको तुम निकलवाओ जितना जल्दी हो सकता है। ये पार्ट टू जो थाना हमने खोला है ये बंद नहीं होगा, हम ये कह रहे हैं। थाना फिर भी बंद ही होगा मैडम, बिल्लू की काली खोपड़ी में सपना आया था थाना बंद होने का। और इस सपने का क्या जो हम सबने मिलकर देखा है, सपना इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाने का। हाँ, ये हमारा जो महिला पुलिस थाना है इसका सर स्वाभिमान से ऊंचा करने का सपना, उसका क्या? डिपार्टमेंट में हर महिला पुलिस थाने की अहमियत समझाने का सपना, उसका क्या? ये कॉम्पिटिशन हम किसी भी हाल में जीतेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये पार्ट टू थाना बंद नहीं होगा, बस। आप समझ नहीं रही है। हाँ देखिए, क्या फायदा अब उस थाने का? इस थाने में FIR ना आए इसलिए खोला था ना वो थाना, मगर यहाँ तो FIR आ रही है, मैडम सर ला रही है दूसरों के घरों में जा जाकर, देखिए ना दुगनी FIR है। तो अब क्या फायदा है उस थाने को रख के? नहीं, अगर FIR आया है ना पुष्पा जी, तो FIR जाएगा भी। मतलब मैडम सर ने अपना दाव खेला है ना, अब हमारा बारी।